सबसे पहले मैं हाल के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था संधारण और बिहार पुलिस को सशक्त बनाए जाने के लिए जो नए पदों का सृजन किया गया है 75,543 उसके संबंध में जो कार्रवाई है मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार पुलिस में अब तक की एक साथ बहाली की सबसे बड़ी संख्या के बारे में अब शीघ्र ही हम लोग नई एडवर्टाइजमेंट के साथ में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले हैं। कुल 21,391 पदों पर सिपाहियों की नियुक्ति के लिए रिक्विजिशन गृह विभाग के द्वारा रोस्टर क्लियर होने के उपरांत कल पुलिस विभाग ने सिपाही चयन आयोग सिपाही भर्ती चयन पर्षद को भेज दिया। इतनी बड़ी संख्या में बिहार पुलिस में एक साथ सिपाहियों के पद पर कभी नियुक्ति नहीं हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी पिछले वर्ष गांधी मैदान में लगभग 10,000 कर्मियों की एक साथ नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति पत्र हस्तांतरण की बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया। वो संख्या करीब 10,000 थी। अब हम सीधे एक साथ एक विज्ञापन के तहत 21,391 सिपाहियों के पदों पर नियुक्ति कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम इस संबंध में आम जनता को भी अवगत कराना चाहते हैं। इस पूरी बहाली में 7,903 कुल पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे 21,000 में, तो हमारी महिला कर्मियों के लिए महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि इतनी बड़ी संख्या में आए और बिहार पुलिस को सशक्त बनाने के लिए इस भर्ती में भाग लिया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 35% है और इसके अलावा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% पद आरक्षित है। कुल मिलाकर के 7,903 पद महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित रहेंगे। राज्य की महिलाओं को सशक्त आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। साथ ही साथ बिहार पुलिस में इतनी अधिक संख्या में महिलाओं की भर्ती संभवतः पहली बार एक विज्ञापन के तहत होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है, अतः उम्मीदवार का कम से कम इंटरमीडिएट होना उत्तीर्ण होना आवश्यक। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 25 वर्ष और अन्य पिछड़ा अध्ययन पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 27 वर्ष, इस वर्ग में जो महिलाएं हैं उनके लिए 18 से 28 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। गृह रक्षकों को इसमें कुछ छूट दी गई है। जो डिटेल जब विज्ञापन सिपाही भर्ती पर्षद द्वारा जारी किया जाएगा उसमें सारी की सारी जानकारी आपको दी जाएगी।